गोड्डा से भागलपुर आने वाले यात्रियों के लिए एक नई लिंक डेमू ट्रेन की शुरुआत रेलवे करने जा रही है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले यह जानकारी हम पूरे आपको बताएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। गोड्डा वासियों को एक और सौगात मिलने जा रहा है। बड़ी रेल लाइन निर्माण के बाद दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एक लिंक डेमू ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है रेलवे। ईस्टर्न रेलवे गोड्डा से भागलपुर के बीच लिंक डेमू ट्रेन चलाने जा रही है, जो कि विक्रमशिला से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए कनेक्टिंग ट्रेन होगी। गोड्डा से यह डेमू ट्रेन सुबह 6 बजे खुलेगी और भागलपुर 9:33 पर आएगी। यहां से विक्रमशिला एक्सप्रेस 11:50 पर खुलती है। इससे एक कनेक्टिविटी बन जाएगी गोड्डा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए। वहीं वापसी में यह ट्रेन भागलपुर से 10:45 पर खुलेगी और गोड्डा दोपहर 3:10 पर दोपहर में पहुंचेगी। इस रूट पर फिलहाल एक पैसेंजर ट्रेन और 2 डेमू ट्रेन चलाई जाती है। उम्मीद जताई जा रही है कि कई लंबी दूरी की ट्रेन का विस्तार गोड्डा तक किया जा सकता है। इस रेलखंड पर जल्द ही विद्युतीकरण का भी प्रोजेक्ट पूरा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है और इस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़ी एक बड़ा अपडेट हमारे चैनल की ओर से जल्द सामने आएगा। इसके साथ ही अब इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट गोड्डा से दुमका वाया बांका तक का पूरा वीडियो हमारे चैनल पर जल्द देख सकेंगे। तो ये था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।